मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है वो करते हैं, आपके लाइफ में जो है वो चेंज देखना चाहते हैं। तो दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे हमसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और लाइव चैट पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर हमसे अपने क्वेश्चन जो है वो लाइव के माध्यम से उनके आंसर्स जो है वो ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति जो कि ज्ञान के देवता है और शुक्र जो कि लग्जरी के देवता है, इन दोनों महा महाज्ञानी ग्रहों को ठीक करने के महा महा अचूक जो है वो उपाय आपको बताने जा रही हूँ। तो दर्शकों, आपने क्या करना है कि देखिए, बृहस्पति जब आपके ठीक होते हैं तो आपको बरकत में आपकी जो है वृद्धि करते हैं, आपको जो है ऐसे इंसान का सोना जो है वो कभी भी जो है गिरवी नहीं रखा जाता, ऐसे लोगों का सोना खोता नहीं है, ऐसा इंसान सोने पे सोना बनाया जाता है और बहुत ज्यादा जो है वो जीवन में तरक्की करता जाता है। ऐसे इंसान को मान सम्मान, कीर्ति, यश की प्राप्ति होती है जिनके बृहस्पति अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों का अपने कुटुंब में जो है वो नाम होता है, ऐसे लोग जो है वो बरकत और बड़े ही इनका जो फेस होता है वो बड़ा तेज जो है उसमें बहुत तेज होता है। बृहस्पति जिनके अच्छे होते हैं उनके फेस पे एक चमक जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी बृहस्पति खराब है तो उसको क्या ऐसे उपाय हैं जिसके हम बृहस्पति को जो है वो ठीक कर सकते हैं। और शुक्र जो है आपकी लग्जरी का कारक है, शुक्र देव आपके अच्छे होते हैं तो ऐसे इंसान बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा मकान, नौकर चाकर, ऐशो आराम के साथ में अपनी जिंदगी जो है वो व्यतीत करता है। ऐसे लोगों को पैसे खर्चते वक्त सोचना नहीं पड़ता है जिनके शुक्रदेव अच्छे होते हैं कि हम क्या खर्चा कर रहे हैं। वो लोग अपना खर्चा करने में विलीन होते हैं और ऐसे लोगों के पास जितना खर्चा करते हैं उतना पैसा और आता है ऐसे इंसान के पास पैसा। तो ऐसे कौन से आज दो उपाय जो है, दो प्लैनेट्स के उपाय मैं आपको देने जा रही हूँ जो बहुत मेजर प्लैनेट्स है हमारी लाइफ में, उनका जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है। अब सभी आप लोगों को बोलेंगे कि बृहस्पति के लिए पुखराज पहन लीजिए, शुक्र के लिए ओपल पहन लीजिए, जरकन पहन लीजिए, डायमंड पहन लीजिए, बृहस्पति के लिए जो है आप हल्दी की गांठ बांध लीजिए। ऐसे बड़े सारे उपाय हैं, आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। लेकिन बृहस्पति आपके शरीर के कौन से हिस्से को गवर्न करता है, कौन से हिस्से को गवर्न करता है, शुक्र आपके शरीर के कौन से हिस्से को गवर्न करता है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो मैंने आपको बड़ी अपनी पहले भी वीडियो बताया है कि आपके गाल जो है वो आपके बड़े सुंदर होंगे, साफ होंगे, उसमें कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होगा, आपके गाल जो है उसमें छाइया नहीं होंगी, आपके गाल बड़े सुंदर होंगे, आपके गाल पिचके हुए नहीं होंगे, आपका शुक्र अच्छा है। बृहस्पति अगर आपका अच्छा है तो आपका मस्तक जो है वो बड़ा चौड़ा होगा, ये सारी बातें मैं आपको पुरानी वीडियो में बता भी चुकी हूँ। अब आपके हाथों में बृहस्पति का पर्वत ये है, बृहस्पति का पर्वत आपकी फर्स्ट वाली फिंगर के नीचे यहाँ पर जो है ये बृहस्पति का आपके पर्वत है, ये देखिए ये बृहस्पति का पर्वत है। इस पर्वत पर आपने क्या ऐसा कार्य करना है, आपने हल्दी लेनी है, हल्दी थोड़ी सी घोलनी है या फिर आप केसर भी ले सकते हैं, हल्दी और केसर को मिलाकर पानी में घोलकर सुबह सुबह आपने जो है इस पर्वत पर आपने इस उंगली से जो है आपने अपने सीधे हाथ में, ध्यान रखिएगा, फिर आप पूछेंगे कौन से हाथ में करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। सीधे हाथ में बृहस्पति की उंगली के नीचे जो बृहस्पति का पर्वत है और इस वाली फिंगर से आपकी जो रिंग फिंगर होती है यहाँ से आपने हल्दी का तिलक यहाँ पर लगाना है और आपने इसको जो है मलना भी है, आपने इसकी मसाज भी करनी है और आपने कोई भी बृहस्पति का ओम राम ब्रीम सा बृहस्पति नमः का कोई जाप करते हुए, आपने जो है बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते हुए या अपने इष्ट देव का कोई जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या ओम बृहस्पति नमः का जाप करते हुए आपने जो है 108 बार कम से कम आपने इसको जो है ऐसे करके प्रेस करना है और ये प्रेस मतलब आपने इसकी मसाज करनी है। ये आपका बृहस्पति पर्वत के नीचे आप ऐसे मसाज करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, ये आपको बृहस्पतिवार से शुरू करना है, 11 बृहस्पतिवार कर लीजिए या आप रेगुलराइज कर सकते हैं तो रेगुलर में कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। दूसरा आपने क्या करना है, आपने एक गुलाब की पंखड़ी लेनी है, उसमें आपने थोड़ा सा
हल्का सा आपने जो है लेवेंडर ऑयल लगा लीजिए, देसी घी ले लीजिए, उसमें आपने गुलाब की पत्ती को जो है आपने इसको थोड़ा सा क्रश करके आपने इसका जूस वूस निकालकर पत्ती का, और देसी घी में हल्का सा एक ड्रॉप लेने देसी घी के आपने, वो इसमें मिक्स करके आप इसका पेस्ट सा बना लीजिए और इस पत्ती का, और आपने जो है अपने ये जो शुक्र का पर्वत है आपका, ये शुक्र का पर्वत देखिए, ये शुक्र का पर्वत जितना ये स्मूथ होगा उतनी ज्यादा लग्जरी आपको मिलेगी। ये इस प्रकार से आप इसको ये अंगूठे से थम से करना है आपने काम, अंगूठे से जो है आप इसको रगड़ना शुरू कीजिए, मलना शुरू कीजिए, और जो है ऐसे ऐसे करके पूरा इसको रब कीजिए, और ओम ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः का जाप जो है वो करते रहिए। मां लक्ष्मी का जाप भी कर सकते हैं, पैसों से भी आपको बरकत होगी इसमें। यहाँ पर शुक्र आपका कमजोर है, आपको लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होती है, पति से लड़ाई झगड़ा, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, प्यार नहीं मिल रहा, मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा, और लग्जरी नहीं मिल रही, लग्जरी के लिए हम तरस रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल भी खरीदने के लिए उनको 500 बार सोचना पड़ता है। मेरे पास ऐसे क्लाइंटों के फोन आते हैं, कहते गुरुमा एक साइकिल नहीं खरीद पा रहे, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहे, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे। तो कीजिए ये उपाय, छोटे छोटे से उपाय होते हैं, इसमें कोई पैसे तो आपके लगने नहीं है। गुलाब की पत्ती को एक बार ले आइए, उसका ये बना लीजिए, वो 4-5 दिन चल जाएगा आपका ये। तो ये 11 दिन तो कम से कम कीजिए, फिर उसके बाद अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते, शुक्रवार बृहस्पतिवार, शुक्रवार बृहस्पतिवार आप करते रहिए, नहीं तो 11 डेज तो मिनिमम करना है। कोई भी चीज का रिजल्ट लाने के लिए 11 डेज 21 दिन जो है मिनिमम करना है। इसको आप जो है ऐसे ऐसे करके मलते जाइए, रब करते रहिए, अपनी समस्या बोलते हुए। ये दोनों फिंगर्स का यूज नहीं करना आपने, ये भी दोनों फिंगर्स का फर्स्ट फिंगर्स, इसको जो शुक्र पर्वत को आपने अंगूठे से, और बृहस्पति पर्वत को ये आपने रिंग फिंगर से आपने इस प्रकार से मलना है। जीवन में चमत्कार होते हुए देखेंगे, बीपी शुगर से रिलेटेड बीमारियां भी ठीक होती हैं इससे। ये हमारे ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी को जो है, इनकी नसें जो है वो हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स को गवर्न करती हैं जो हमारे पैनक्रियाज को, हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। और ये जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्किन खराब हो रही है, कोई सोरायसिस की प्रॉब्लम हो रही है, कईयों के घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, अपने उपाय खुद कीजिए, अपनी अपने जो है बॉडी को खुद जनरेट कीजिए, खुद जो अपनी बॉडी को जो है एक्टिवेट कीजिए, उसे खुद ही स्टिमुलेट कीजिए। यहाँ से ऐसे ऐसे आप इसको राउंड 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 फिंगर करते हुए जो है, अब आप हम पूछेंगे कि इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस वक्त करना है, कभी भी कर लीजिए। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।